हरियाणा के रोहतक में सनसनीखेज वारदात हुई है। पैसों के विवाद में मामला इतना बढ़ा कि चार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर एक के पास फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोली लगने से चार युवक घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। गेट नंबर एक पे फायरिंग हुई है, जिस सूचना पर हम मौके पर आए हैं। मौके पे हमने हालात देखे हैं, चार लोगों गोलियां लगी हुई हैं। वो आसन गांव के हैं, एक दुबलधर माजरा का है और एक खेड़ी आसरा। क्या ये यही के स्टूडेंट है? एक यहीं का स्टूडेंट है, बाकी अभी बताएंगे उनसे जान लेंगे। घायलों में तीन युवक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद वहां आए कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। मेरे को बोला 2.5 लाख रुपए देंगे, इसके अलावा हम पैसे नहीं देंगे आपको, जो करना है तेरे से कर लेना। मैं बोला भाई मेरे को तो पूरे पैसे चाहिए, फिर भी मैं 2 लाख रुपये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम मेरे को 4.5 लाख रुपये दे दो, मैं निपटा दूँ, मैटर सोल्व हो जाएगा इसमें। वो बोले तेरे से जो करना हो ना तू कर लिया, हम 2.5 लाख ही देंगे बस। मैं बोला ठीक है भाई सर, जो होगा ना देख लेंगे, बस ये बात होगी। इसके बाद उन्होंने फायर कर दी मेरे ऊपर। वारदात के बाद घायल युवकों को इलाज के लिए रोहतक PGI ले जाया गया, जहां से युवकों के परिजन उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए।